हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल होप यू डूइंग गुड गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है अमेजोन टॉप हॉल। मैं अंडर 500 रुपीज़ के टॉप्स आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अफोर्डेबल हॉल है, प्लस डेली वेयर, कॉलेज वेयर गर्ल्स के लिए, ऑफिस वेयर के लिए भी परफेक्ट टॉप आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही कैजुअल है एंड लॉन्ग टॉप्स है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो जिस तरीके से मैंने स्टाइल करा है वैसा स्टाइल करके पहन सकते हो। अगर आप कॉलेज वेयर गर्ल हो तो जीन्स के साथ स्टाइल कर सकते हो। सो जितने भी लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी माय हॉल स्टोर पे। तो लिंक के लिए प्लीज़ क्लिक कीजिए माय हॉल स्टोर। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट पर पूछ सकते हैं। एनी गाइज, ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ये व्हाइट एंड ब्लैक शर्ट स्टाइल टॉप पिक करा है और इस पर मैंने साइज लार्ज लिया है। प्राइस ये 299 रुपीज़ की मुझे मिली है। और गाइस, पॉलिस्टर का मटेरियल है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया टॉप है। बहुत ज़्यादा सी थ्रू भी नहीं है, मैं विदाउट स्पेगेटी ही आपको दिखा रही हूँ। बेस्ट चीज़ मुझे लगी है तो मैंडरिन कॉलर के साथ है, स्लीव भी फुल है, प्लस आपको सामने को शॉर्ट एंड पीछे को लॉन्ग मिली है। शॉर्ट इन द सेंस बहुत शॉर्ट नहीं, बट जो पीछे है उससे शॉर्ट है। फ्रंट में बटन्स पूरे ओपन होते हैं तो एज अ श्रग भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी जो डिज़ाइन है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है। अगर आप इस तरीके के हैरम पैंट में स्टाइल करोगे तो और ब्यूटीफुल लगेगी। प्लाजो में भी आप पहन सकते हो, जीन्स में भी पहन सकते हो, और इस तरीके से टाई करके स्कर्ट में भी पहन सकते हो। सो कॉलेज गर्ल्स के लिए ये वाली लुक परफेक्ट है। अगर आप ऑफिस जाते हो तो विदाउट टाई करके भी पहन सकते हो। ये पैंट ज़ारा से है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। सो अगर आपके पास कुछ भी ऐसा ब्लैक में पैंट है तो आप उसके साथ स्टाइल कर सकते हैं। 200 की प्लाजो के साथ भी स्टाइल कर सकते हो, इतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। सो हमेशा मेक श्योर कीजिए गाइस, जब भी आप थोड़ा सा कम प्राइस की टॉप पहन रहे हो ना तो थोड़ा एक्सपेंसिव हमेशा लोअर रखो। मैं हमेशा पैंट्स ट्राउज़र अच्छी अच्छी क्वालिटी की रखती हूँ, उससे जो लुक होता है बैलेंस हो जाता है। अगर सस्ते टॉप होते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव लुक देता है। तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली टॉप। नेक्स्ट टॉप मैंने ये लॉन्ग टॉप ही लिया है, टर्कस ब्लू कलर एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, बेल स्लीव्स है, लॉन्ग टॉप है, पेयर शेप बॉडी के लिए परफेक्ट है गाइस। आप चाहो तो इसे जीन्स में भी स्टाइल कर सकते हो। मैंने प्लाजो में पहना है क्योंकि मैं प्लाजोज में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। आप जिस पे कंफर्टेबल हो वैसे वेयर कर सकते हो। वैसे ये वाली लुक ऑफिस के लिए परफेक्ट है। ये इयरिंग्स मेरी इन दिनों बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत इन भी है, इसलिए मैं ये वाली इयरिंग बहुत पहनती हूँ। आप स्टड भी पहन सकते हो, कॉटन मटेरियल है इसका, और आपको फ्रंट पे फेक क्लोथ वाले बटन्स मिलेंगे। प्लस इसका जो मटेरियल है बहुत सॉफ्ट है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट है, एंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। जो इस पर मैंने साइज लार्ज ही लिया है, अगर आप मीडियम पहनते हो तो आप मीडियम पे भी जा सकते हो। मुझे थोड़ी ये लूज़ हो रही है क्योंकि मुझे थोड़ा लूज़ पहनना पसंद है। अगर आप मुझे फॉलो करते हो बहुत टाइम से तो आपको पता होगा मैं एक साइज अभी टॉप्स या कुर्तीज़ पहनती हूँ। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग 400 रुपीज़ और 300 के बीच का ही है। प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी टॉप है गाइज। कॉलेज जाते हो तो जीन्स के साथ स्टाइल करो, केपरी के साथ करो, ऑफिस के लिए ऑफिस में ऐसे प्लाजो के साथ करो, बहुत बढ़िया सेट और देखने पे भी बहुत एक्सपेंसिव लग रही है। ये जो प्लाजो है ये शीन से है, इसका भी लिंक मैं नहीं दे पाऊंगी, बट आप कोई भी वाइट प्लाजो में या फिर ब्लू जीन्स पे भी स्टाइल कर सकते हो। कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर से बताना। एंड ये टिप हमेशा याद रखना कि कभी भी आप सस्ती टॉप पहन रहे हो तो मेक श्योर करो कि जो बॉटम्स है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का पहनो, तो फिर बहुत ही बैलेंस हो जाता है लुक। नेक्स्ट ये मैंने कुर्ता स्टाइल टॉप लिया है और ये ग्रीन कलर में प्रिंटेड है। इस पर मैंने ये रिप जीन्स पहना है जो शीन से है, इसका भी लिंक नहीं दे पाऊंगी। मोस्टली मेरे जो बॉटम वेयर है गाइज वो शीन से है, एंड शीन से मैंने बहुत सारे हॉल्स वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन भी मिल जाएंगे। इस पर मेरा साइज़ लार्ज है और इस पर मेरा साइज़ मीडियम है और ये फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, इस पर मैंने लार्ज नहीं लिया है। अगर आप देखोगे तो पिकॉक की जो फेदर्स होती हैं वैसा डिज़ाइन इस पर बना हुआ है। फ्रंट पे बटन्स फेक बटन्स है, एक ही ओपन होते हैं ऊपर वाले। कॉटन मटेरियल है और फिटिंग बहुत अच्छी है, फ्लेयर बहुत अच्छी है। जिनको भी कैजुअल इस तरीके की कुर्ती पसंद है उनके लिए ये एकदम परफेक्ट पीस है। बहुत ही कंफर्टेबल है, कॉटन मटेरियल भी है और जीन्स के साथ अब मैंने स्टाइल करा है, और इस पर प्लाजो बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्लाजो पहनना चाहते हो इस पर तो एंकल लेंथ वाली प्लाजो पहनना, लॉन्ग प्लाजो इस पर अच्छी नहीं लगेगी। पिंक के साथ फ्लैट्स के साथ मैंने स्टाइल करा है और इयरिंग्स
भी मैंने शीन से डाले हैं और डुअल कलर के ईयर रिंग्स है, ये ऑरेंज और पिंक कलर की, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है, शीन से ही है। सो सबके लिंक तो मैं नहीं दे पाऊंगी, बट हाँ कुर्तीज की सारी लिंक आपको मिल जाएगी। और कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताना। ये तो कॉलेज के लिए और ऑफिस के लिए एकदम परफेक्ट है, डेली वेयर, मार्केट वगैरह जाना हो गर्मियों के लिए एकदम परफेक्ट है। ओके, नेक्स्ट टॉप मैंने ये येलो कलर का टॉप लिया है और इस पर मेरा साइज़ मीडियम है, क्योंकि इस पर लार्ज नहीं लिया था मैंने, बट मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप मीडियम पहनते हो तो लार्ज पे जाओ, क्योंकि थोड़ी फिटेड है और इसका मटेरियल रेयन है। काफ़ी स्टाइलिश टॉप है ये, देखने पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है फ्रंट पे भी। तो इसको मैंने सेम प्लाजो, वाइट प्लाजो के साथ स्टाइल करा है जो शीन से है। ये भी 350 रुपीज़ और 400 की ही मिली है, बहुत इसका भी प्राइस नहीं है गाइज। बट अगर आप कोई भी टॉप को ना थोड़े अच्छे स्टाइल, मतलब अच्छी लुक दे दोगे, तो वो ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव लगती है। लाइक आपको देखकर नहीं लगेगा कि 350 और 300 रुपीज़ की टॉप मुझे मिली है। सो डबल लेयर है इस पर, एक ऊपर से ऐसे कट वाली लेयर आ रही है, वाइट प्रिंट बने हुए हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और फिर आपको शॉर्ट अगेन फ्रंट पे मिल रहा है, राउंड नेक है, थ्री क्वार्टर स्लीव से कुछ इस तरीके से फ्रंट की डिज़ाइन है। बैक आप देख सकते हो, बैक पे इलास्टिक भी है और लॉन्ग भी है। सो अगर आप पेयर शेप बॉडी हो तो उसके लिए परफेक्ट है, थिन गर्ल के लिए भी बहुत परफेक्ट है। इस पर कलर ऑप्शंस मिलेंगे तो आप वो चेक कर सकते हो। मुझे ये वाली बहुत पसंद आई, इस पर मैंने जो ईयर रिंग्स पहने शीन से ही है और ये बैंड भी शीन से ही है, काफ़ी पुरानी है। सो आप कोई भी प्लाजो वाइट कलर की है तो उसके साथ आप पहन सकते हो, जीन्स के साथ भी उतनी अच्छी लगेगी, तो जीन्स के साथ भी आप स्टाइल कर सकते हो। सी थ्रू भी नहीं है, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है। ये वाली जो लुक आई है मुझे बहुत अच्छी लगी ऐसे हेयर बैंड डालकर। सो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट पे ज़रूर से बताएं। टॉप मैं रेकमेंड करूँगी, अभी तक जितने भी टॉप्स मैंने आपको दिखाए हैं मैं सारे के सारे रेकमेंड करूँगी, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी टॉप्स मिली है। नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ता जो है, ये टॉप स्टाइल कुर्ता मैंने लिया है और पेयर शेप बॉडी के लिए परफेक्ट है गाइज। मैंने आज के हॉल में मोस्टली ऐसे कुर्ताज या टॉप ऐड करे हैं और जो बैक से आपको हिप बहुत अच्छे से कवर कर ले रही है। लाइक बहुत सारे ऐसे पैंट्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं, जो आप शॉर्ट टॉप में वेयर नहीं करते, उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक चाहिए होती है। तो ऐसे जो हिप कवर करके पहनना चाहते हैं उनके लिए ये टॉप परफेक्ट है। बागंडी कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल टॉप है, साइज़ मेरा इस पर मीडियम है, फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है मीडियम की और कॉटन मटेरियल है। प्राइस इसका 500 से अप है, लाइक 600 रुपीज़ की मुझे ये मिली है और करंट प्राइस भी 600 या 650, 25 ऐसे ही चल रहा, साइज़ पर भी डिपेंड करता है। सो इस पर आपको बागंडी कलर पर ग्रीन कलर के जो प्रिंट्स बने हुए हैं वो गोल्डन कलर के बने हैं। नीचे को अगर आप देखोगे तो पॉम पॉम भी ग्रीन कलर की लगी है, कॉटन मटेरियल है, तो प्रिंट जो है वो कपड़े में ही है, निकलने का कोई टेंशन नहीं, दो पैनों वाला है। और स्लीव्स में इसकी जो लटकन लगी हुई है वो मैंने टाई नहीं करा है, आप चाहो तो टाई करके पहन सकते हो, मैंने बस ऐसे ही रखा, मुझे मज़ा आ रहा था शूट करते ऐसे। पैंट जो मैंने पहना है वो H&M से है, बहुत पुराना है, इसका भी लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी, मैंने ऑफलाइन ली है। सो थोड़ा आप, मैं टॉप में ऐसे भी गाइस बहुत कम लाइक इन्वेस्ट करती हूँ, टॉप में हमेशा सस्ती लेती हूँ, और जो मेरे लोअर्स होते हैं, बॉटम्स होते हैं, उन पे मैं थोड़ा खर्चा करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं और हमेशा टॉप्स के साथ ऐसा होता है कि हम कुछ दिन पहन के बोर हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा बॉटम में ज़्यादा खर्च कीजिए और टॉप्स हमेशा सस्ती लीजिए और इस तरीके से बैलेंस कीजिए। सो कैसी लगी हॉल कॉमेंट में ज़रूर से बताएं, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें गाइस सब्सक्राइब करके। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय गाइज़।